दोस्तों ये न्यू कमर्स के लिए हम नया एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है बॉलीवुड फिल्मी फ्रॉड्स और ये उस सीरीज का इंट्रोडक्शन है। देखिए इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड के साथ जो फ्रॉड जो शब्द जुड़ा हुआ है ना वो एक जोंक की तरह चिपक चुका है, लेकिन इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छी जगह, फिल्म तो बहुत अच्छी जगह है, ये आपको नाम देती है, शोहरत देती है, पैसा देती है, लेकिन जो एक इंडस्ट्री के बाहर एक दायरा जो बना हुआ है, जो कुछ लोग जिन्होंने इस इंडस्ट्री को घेरा हुआ चारों तरफ से, उनकी वजह से नए लोगों की इंडस्ट्री में एंट्री जो है वो एक इम्पॉसिबल सी कर दी उन्होंने, हर तरफ लूट मार मची हुई है, जबकि एक्चुअल में इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। अगर आप किसी लायक हैं, डिजर्व करते हैं, तो आपको आपके हिसाब का काम मिलता है, पैसा मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, डिग्निटी सब है। तो इसी चीज को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने ये एक सीरीज शुरू की है जिसमें आपके साथ अगर एक्टिंग के नाम पे कोई भी फ्रॉड हुआ, कैसा भी फ्रॉड हुआ, काम दिलाने के नाम पे, पोर्टफोलियो के नाम पे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, या एक्टिंग सिखाने के नाम पे कैसा भी फ्रॉड हुआ है, आप अपना एक्सपीरियंस लेके विद प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आप हमारे पास आइए, हम आपका एक्सपीरियंस अपने चैनल पे पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि ये जो गंदगी जो इंडस्ट्री में फैली हुई है, जो जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम है, इस गंदगी को हमें साफ करना है, और इस गंदगी को साफ करने के लिए मुझे या हम लोगों को आपकी ज़रूरत है। क्योंकि आप जब आप पाओगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तो हो सकता है किसी और की ज़िंदगी, किसी और का पैसा, टाइम बच जाए। ठीक है, हमारे साथ गलत हो गया, लेकिन अगर हमारे एक्सपीरियंस से या हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके किसी और की ज़िंदगी बचा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह का फ्रॉड है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हुआ है, बॉम्बे में, दिल्ली में, कहीं पर भी हुआ है, आप हमारे पास आइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और हम उस एक्सपीरियंस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। ये जो बेसिकली फ्रॉड लोग होते हैं ना, इनका इंडस्ट्री से कोई लेना देना होता नहीं है, ये इंडस्ट्री के बाहर अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, इनका कुछ मतलब नहीं। इनका सिर्फ ये है कि जो इमोशनल आर्टिस्ट बहुत इमोशनल होता है, उसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, तो ये उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं, और इसका नुकसान ये है कि एक्चुअल में जो जेन्युइन इंडस्ट्री वो बनना लोग डरते हैं आने से। तो अगर हम अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करके किसी की मदद कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा काम होगा। और हमारे पास मौका है इन वीडियोस के थ्रू इस गंदगी को साफ करने का, और मैं खुद पर्सनली अपनी तरफ से आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा कि अगर आप लोग मेरी इस मिशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी जगह को, इतने अच्छे प्रोफेशन को इन लोगों ने बदनाम किया हुआ है, आप मेरी हेल्प कीजिए, हो सकता है आपके एक्सपीरियंस से और हमारे एफर्ट से किसी की जिंदगी बच जाए।